वो बीबी के जो हिदायत के साथ जुड़ी हुई है, वो बीबी के जिसके लिए रसूल ने कहा कि फ़ातिमा तो बिज़ातु मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। अगर नबी नबूवत की हैसियत से है तो नबूवत का हिस्सा ज़हरा है, अगर नबी रसूल है तो रिसालत का हिस्सा ज़हरा है। रिसालत और इमामत के सिलसिले को अगर कोई जोड़ने वाला है तो वो कोई और ज़ात नहीं, वो सैयदा कौनैन की ज़ात है। जनाब सैयदा ने मुकाम तफाखुर में कहा कि या अली, एक फ़ख्र मुझे वो हासिल है जो फ़ख्र किसी और को हासिल नहीं, कि आपके नूर को तो खुदावंदे आलम ने पांच सुलबों में रखा, लेकिन परवरदिगार आलम ने मेरे नूर को अलग मुकाम अता किया। वो नूर ऐसे मुकाम पर रखा गया था कि वो तोहफ़ा देते हुए परवरदिगार आलम अपने नबी से कहता है, वला सौफ़ा युति कफ़ा तर्ज़ा, कि बेशक है मोहम्मद, हम बहुत जल्द तुम्हें कुछ ऐसा अता करेंगे कि तुम हमसे राज़ी हो जाओगे। वो तोहफ़ा है कि जिससे नस्ल इमामत ने चलना है। हर कुर्बानी जो दी जाएगी वो फ़ातिमा की औलाद कुर्बानी देगी, इस दीन को बचाने के लिए फ़ातिमा की औलाद काम आएगी। अजीज़ो, वो दरवाज़ा कि जिस दरवाज़े पे आकर रसूल आकर सलाम किया करते थे, और जब वो वक्त आया जब आए तथहीर का नज़ूल हुआ तो मामूल ये था कि रसूल जब कभी भी नमाज सुबह पढ़ने के लिए आया करते थे तो आप सबको मालूम है कि ये वाहिद दरवाज़ा था जो मस्जिद नबवी में खुलता था, उस दरवाज़े के आगे खड़े हो जाया करते थे। तमाम नमाजी यकीनन इंतज़ार कर रहे होते होंगे, और नबी आते हुए एक दरवाज़े पर रुक जाते हैं और आकर कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादनुर रसाला। बग़ैर ज़िक्र फ़ातिमा के दीन कबूल नहीं होता, बग़ैर फ़ातिमा के अहले बैत का तारुफ होता नहीं। खुदावंद आलम से जब जिब्रील पूछते हैं तो परवरदिगार तारुफ कराता है, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। पूरे कुरान की सूरतें आयतें बाद नबी इतने मसाइब पड़े हैं, इतने मसाइब पड़े कि ख़ुद कहा करती थीं कि बाबा आपके जाने के बाद मुझ पर इतने मसाइब पड़े हैं कि अगर रोज़े रोशन पे पड़ते तो सियाह रात में तब्दील हो जाते। वो अजीम फ़ातिमा
कि जिस दरवाज़े पर नबी आकर अज़मतें बयान करते हों अहले बैत की, उस दरवाज़े के साथ क्या किया गया। और उस वक्त भी दरवाज़ा गिराया नहीं गया, ये 1806 में फिर हुआ जो जन्नतुल बकी में फिर क़यामत ढाई गई। और आपके खून से जिंदा इस्लाम है, दीन इस्लाम की है बका। ये शबीहात बनाने का एक ही गर्ज़ है, और ये मोहब्बत के सिलसिले हैं, नस्बतों के सिलसिले हैं। जिसको मस्जिद नबवी से प्यार है, वो जहाँ रहता है वो मस्जिद उसी की शबी बनाता है, और खुदा का घर वो बन जाता है, उसका वैसे ही तकद्दस हर मुसलमान करता है। इसी तरीके से हर शय की हमने शबी बनाई है, जब शबी बन जाती है, नस्बत तो जुड़ जाती है, तो फिर वही तकद्दस रहता है। आपके लाल का सोज़ुख़ान है हसन,